खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। महू में पप्पू पहलवान एकेडमी हार्ट मैदान महू द्वारा नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं को पिछले 20 वर्षों से पहलवानी सिखा रहे हैं। इस अखाड़े से निकलने वाले पहलवानों का चयन अंतर्राष्ट्रीय पहलवान कुश्ती में भी हुआ है। इस अखाड़े में महिला पहलवान सीधी पटेल, जिसका नेशनल कुश्ती में सिलेक्शन हुआ है, जो 28 दिसंबर को कोल्हापुर कुश्ती लड़ने जाएंगी। इसके साथ श्रवण कौशल पहलवान खेलो इंडिया खेलों के लिए सिलेक्शन हुआ है, जो गोवा जाएंगे। ये जानकारी पप्पू पहलवान एकेडमी अखाड़े के उस्ताद बलवंत सिंह एवं खलीफा अमर सिंह ने बताया कि हार्ट मैदान स्थित पप्पू पहलवान एकेडमी में इनको ट्रेनिंग दी जाती है। पिछले 20 वर्षों से हम इस अखाड़े के माध्यम से 7 वर्ष से लेकर 20 वर्ष तक की महिला एवं पुरुष पहलवानों को कुश्ती के सारे दाव पेच एवं सारे गुण सिखाए जाते हैं। उसमें महिला पहलवानों को भी कुश्ती करवाई जाती है। बच्चे को रनिंग पे ले जाते हैं हम लोग, तो सुबह 6:30 बजे तक रनिंग करवाते हैं, उसके बाद फिर मेट पे लाते हैं हम लोग, तो मेट पे पहलवानी कराते हैं। किसी बिल्कुल ठंड गिरे, गर्मी गिरे, बारिश गिरे, फिर भी कराते हैं हम लोग। और यहाँ पर सुबह 9 बजे तक पहलवानी कराते हैं बच्चों को, और राष्ट्रीय स्तर जाते हैं पहलवान बच्चे हमारे, और एक बालिका जाएगी हमारी, वो सारे मेट पर ला कर इन्होंने धाक धोबी निकाल उफेड़ो बारंदाज सब रस्ते पूरे राष्ट्रीय खेल के हिसाब से पूरे रास्ते बताते हैं हम लोग, पूरे ओलंपिक के तक जाने काबिल की सब दाँव रस्ते सब सिखाते हैं बच्चों को यहाँ। और इसे भर धूप में, भर बारिश में, ये सब मौसम रहता है, फिर भी हम बच्चे कराते हैं यहाँ खुले मैदान में। ये यहाँ पर बच्चे जो आप सिखाते हो इनमें लड़कियाँ भी रहती है? जी हाँ, लड़की हमारे पास 6 बच्ची हैं, 6 लड़की हैं, और अभी और 10-12 लड़के हमारे पास, और बाकी अभी राष्ट्रीय स्तर तक जाने वाले बालिका हमारे पास जाएगी अभी क्या। हाँ, सिद्धि पटेल जा रही है राष्ट्रीय स्तर मैच में जा रहे हमारे बच्चे अभी। कहाँ पर जाएगी ये? कोल्हापुर जाएगी सर। महू से संजय वर्मा की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।